आज 26 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से समझाया, गाया जाता है, आप मुए मर गई दुनिया, आप बच्चे जब जीते जी मरते हो तो आपके लिए दुनिया ही बदल जाती है, आप पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। इस समय आप ईश्वरीय गोद में हो, इस गोद में आकर आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा इस समय आकर श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पे चलना है, मनमत या परमत पे नहीं चलना। मनमत पे चला और ये मरा, जो श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो पहले से ही सब कहते हैं कि भगवान को याद करो, राम राम कहो, राम राम की ऐसी धुनी लगाते हैं जैसे कि बाजा बजता हो। बाबा कहते हैं आपको मुख से नहीं बोलना, मन ही मन बाबा को याद करना है, बुद्धि योग बाबा से लगाना है। आप बच्चे मन ही मन जब याद करते हो, सिमरण करते हो, तो आत्मा पावन बन जाती है। जब आप बाबा की याद में रहते हो तो विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। बाबा बच्चों से मिलते हैं तो कहते हैं मेरे सिक्की लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद मुझे मिले हो। किसी का बच्चा 6-8 मास में भी मिलता है तो बहुत सिक्की लदा लाडला होता है, आप तो 5-4 वर्ष के बाद मिले हो तो बहुत खुशी होनी चाहिए, मैं बाबा का सिक्की लदा लाडला बच्चा हूँ। मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए, उनकी श्रीमती तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए, उनकी श्रीमत तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। क्वेश्चन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप बच्चे जब बाबा के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता, नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति, ये भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो तो रूबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं फिर उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो हो नहीं जाती, इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है, तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमें सतयुग का बर्थ राइट मिल जाता है, हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं इसलिए हमें नई दुनिया का बर्थ राइट मिल जाता, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य कोई मरने पर होते हैं तो उसको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत है, ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते। माला भी राम राम कह के सिमरते हैं, राम राम की दुनिया ऐसी लगाते हैं जैसे कि बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते, कोई भी आवाज़ नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है। जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे, गाया जाता रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, कल्प पहले माफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हों कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे।
बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता, बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के होकर रहेंगे, गॉड फादर कहते हैं। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है, परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे कि बाबा सर्वव्यापी हो? ये भी समझने की बातें हैं। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है? बच्चा थोड़े कहेगा मैं बाप हूँ, तुम आत्मा उनके बच्चे हो। फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता है और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते मैंने इसमें प्रवेश किया, कुछ पूछना हो तो पूछो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं, आकर बच्चों को कहते हैं बच्चे कुछ पूछना है तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था, पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता, कहेंगे आज हमारे दादी का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता, खिलाया जाता। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं, हीरे का छल्ला पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़ी आया, ये रसम भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उसका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई नई बातें, जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठाते हैं, ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है, इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी तमो प्रधान नहीं होते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला, वो तो एक बाप है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। धर्म संस्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। विभिन्न धर्मों की आत्माएं आती हैं, बाबा ने कहा भले क्राइस्ट आए, आकर के उन्होंने उस धर्म की आत्माओं को कोई पावन नहीं बनाया, नंबरवार उनकी संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते, सबको पावन बनाने वाला एक बाप है, ये तो समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है, बनन ट्री का मिसाल देते हैं ना, बड़ के झाड़ का, उसकी जड़ दिखाई नहीं देती, ऊपर से फैलता जाता है, तो बनन ट्री का मिसाल भी इस समय का है। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टालटालियां खड़ी हैं, ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है, जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं। बीज हो तभी तो फिर से स्थापन करे, बाबा कहते मैं फिर से आकर स्थापन करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक अधर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हुई, तुम जानते हो। अब हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वो इस समय प्रायलोप है, तो बाबा कहते मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊँच से ऊँच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है, काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई, अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए हो, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा सबकी श्याम बन गई, काली बन गई, बाबा आकर गोरा बनाते हैं,
उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, आत्मा में खाद पड़ती है। सोने का मिसाल है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अब तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा, राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे, अब कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों ना धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सत्युग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे, सब वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज़ को खाद कहा जाता है, किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं, तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते, वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया, कैसे वहाँ पर आते हैं प्रिंस बगीचे से फल लेकर आते। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। शुरू में भट्टी बननी थी तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। जो ईश्वरीय ज्ञान का साहित्य है, ऐसे ही देंगे तो कोई समझेंगे नहीं, उस पर कोई समझाने वाला चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख करके फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, सबको ये बात बतानी है, बाबा आया हुआ है। ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फ़र्ज है, अंडरलाइन करेंगे, हमारा फ़र्ज है ढिंडोरा पिटवाना, बाबा आया हुआ है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, इस समय तीनों सेनाएं मौजूद हैं, पांडव कौरव यादव। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। कुछ सेकंड के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र 5 सेकंड तक ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा बनना ही है। बाबा ने कहा चित्र सामने लाओ, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता। पहले तो देवता बनना चाहिए, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा कहते मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आके मिलता है, तो कितने प्यार से आके मिलेगा ना, बाप को कितनी खुशी होगी। ये भी बाबा कहते लाडले सिक्के लदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद मिले हो लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी इज गॉड फादरली बर्थ राइट। सत्युगी देवी राजधानी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा तुम्हें बेहद की बादशाही देने आया है। ये हेवनली गॉड फादर कहते तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, तुम इतना लायक बनो, श्रीमत पे चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गई या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बाबा मम्मा कहकर अगर भूल गए, फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितने प्यार से समझाया जाता, बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंचा चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको भी ऊंचा चढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पे चलना चाहिए, एक की मत पे चलना है। अपनी मत पे चला तो ये मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, देवता बनेंगे।
क्षत्रिय तो फिर दो कला कम हो गए। यहाँ है मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं, यहाँ पर आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा पूछते कितने नंबर में पास होंगे, आबरू रखना। बेहद का बाप कहते सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की पास हुई, फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते। बाबा पूछते कितनों को आप समान बनाया। बाबा बच्चों से मिलते हैं, पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया। कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कईयों को बिल्कुल नहीं चढ़ता, छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। पहली पहली बात बच्चों को समझाई, पहले सबको बोलो बेहद बाप को जानते हो। कोई मिले तो पूछो पहले बाबा को जानते हो। कहते हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापक है। अरे तुम्हारे में भी है फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में मेरे में कैसे हो सकता है। बाप है तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए, पहले पहले अल्लाह पे समझाओ। बाप कहते मेरे सिक्के लदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। मेरे सिक्के लदे बच्चे, मीठे बच्चे, ये बात बाबा के सिवाय कोई नहीं कह सकता। जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। 5-4 वर्ष के बाद फिर से मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। स्वर्ग में जाएंगे फिर पुरुषार्थ अनुसार पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत नहीं चलानी है, श्रीमत से ऊंच पद पाना है। हम बाबा के होकर रहेंगे इसी निश्चय में रहना है, हम बाबा के होकर रहेंगे इस निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन ना भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ भी मिस मत करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन ना भी लगे तो भी जाएंगे जरूर, आप भी स्वयं ला मेकर हो। इस अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हर नियम का पालन करने वाले आप ला मेकर्स हो। अगर नियम पालन स्वयं करेंगे तो बहुत ताकत मिलेगी। इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सरल शब्दों में बाबा ने हम सबके लिए जो दिनचर्या बनाई है कि अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, शक्तिशाली मुरली रोज सुननी है, नुमा शाम योग जरूर करना है, जो भी बाबा ने दिनचर्या बनाई है सुबह से शाम तक उसका पूरा विधिवत पालन करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। स्लोगन है जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उसके पास सर्वगुण स्वतः ही आ जाते हैं। जिनके पास संतुष्टता का गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः ही आते जाएंगे। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मुझे कायदे में ही फायदा है, जो भी कायदे हैं उनका पालन कर मैं फायदे का अनुभव करती हूँ। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रभु मिलन की वेला है। मुरली बाबा की बच्चों से मुलाकात है, कर्म क्षेत्र पर हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।